Hi friends, welcome to my channel. In the today's video we will discuss about some important insect pest of store grain products या store grain produces like cereal crop and pulses crop. तो इसमें आपको जो भी important जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके इम्पॉर्टेंट जो होते हैं इंसेक्ट पेस्ट जो कि स्टोरेज हम जब करते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स रहते हैं तो उनमें जो नुकसान पहुंचाते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके, तो सबसे पहला जो स्टोरेज एंटोमोलॉजी होती है, एंटोमोलॉजी तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स और पेस्ट जो भी चीज़ें हैं इंसेक्ट्स और पेस्ट की कैटेगरी में आती है उनका हम स्टडी किस में करते हैं, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कर लेते हैं. ठीक, द स्टडी ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट ऑफ स्टोर ग्रेन एंड पल्सेस इट इज़ कॉल्ड द स्टोरेज एंटोमोलॉजी. स्टोरेज एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जब हम उस इंसेक्ट पेस्ट की स्टडी करते हैं जो कि स्टोर्ड ग्रेन एंड पल्सेस जो होते हैं उनमें अटैक करते हैं तो ये होता है स्टोरेज एंटोमोलॉजी. नाउ स्टोर ग्रेन्स इंसेक्ट जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. ठीक है, दो टाइप से उनको डिवाइडेशन किया गया है. एक होता है प्राइमरी इंसेक्ट पेस्ट, उसमें जो होते हैं जो प्राइमरी इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उसमें भी उनको दो टाइप से डिवाइडेशन किया जाता है. पहला होता है इंटरनल फीडर और सेकंड होता है एक्सटर्नल फीडर. ओके, एंड सेकंड जो होता है वो होता है सेकेंडरी इंसेक्ट पेस्ट, या वो मोस्टली जो होते हैं एक्सटर्नल फीडर्स ही होते हैं. बट जो प्राइमरी जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों तरह के हो सकते हैं. तो जो प्राइमरी इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं वो उनमें कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट्स आते हैं या पेस्ट आते हैं विच कैन डैमेज ऑल काइंड्स ऑफ स्टोर्ड ग्रेन. ठीक, ऑल काइंड्स मतलब प्राइमरी वाले जो है पल्सेस सीरियल्स एंड जो नट्स रहते हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स जो रहते हैं उनको भी अटैक करते हैं. तो जो सभी तरह के स्टोर ग्रेन को अटैक कर सकते हैं वो होते हैं प्राइमरी में आते हैं. और जो प्राइमरी जब अटैक करते हैं तो वो साउंड ग्रेन्स जो रहते हैं अच्छे जो साफ़ सुथरे जो ग्रेन्स रहते हैं उनको डैमेज करते हैं. और उनके डैमेज के बाद जो लेफ़्ट ओवर ग्रेन्स रहते हैं उनको सेकेंडरी जो पेस्ट रहते हैं या इंसेक्ट रहते हैं वो डैमेज क्रिएट करते हैं. ओके, तो जो इंटरनल इट मीन्स कि वो जो है प्यूपेशन जो रहता है प्राइमरी इंसेक्ट जो रहते हैं वो जो कैटरपिलर जो स्टेज रहती है या लार्वा जो स्टेज रहती है उसके बाद जो प्यूपेशन स्टेज आती है तो वो जो लार्वी रहते हैं वो जब उनका थर्ड इंस्टार और इस टाइप की जो स्टेजेस रहती हैं प्यूपेशन के पहले की उस दौरान वो जो ग्रेन है उसके अंदर चले जाते हैं और वहीं पर प्यूपेशन करते हैं. और उस प्यूपा में आफ्टर मतलब प्यूपेशन ड्यूरेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो जो अडल्ट रहता है वो छेद करके या होल करके ग्रेन मतलब ग्रेन के अंदर से बाहर की ओर आता है. तो इस तरह वो इंटरनल रूप से जो अंदर का जो पोर्शन रहता है उस मटेरियल को पूरा डैमेज कर देते हैं. ओके, इसलिए इनको इंटरनल फीडर्स में मतलब रखा गया है. सो अटैक होल ग्रेन मतलब ये साउंड ग्रेन्स में अटैक करते हैं जो कि होल ग्रेन रहते हैं. लार्वी फीड एंड डेवलप विद इन द कैनल्स. नाउ सेकेंडरी जो पेस्ट रहते हैं दे अटैक ओनली द ब्रोकन कैनल और माइल्ड जो ग्रेन रहते हैं. दे फीड ऑन ग्रेन डस्ट, कैन नॉट डैमेज होल ग्रेन. ओके, फॉलो इंटरनल फीडर्स दैट इज डैमेज ग्रेन इन अ पुअर कंडीशन और अ माइक्रोबियल एक्टिविटी. मतलब जो भी प्राइमरी इंसेक्ट के द्वारा डैमेज या लेफ्ट ओवर जो भी ग्रेन्स रहेंगे उन पे अटैक करते हैं ये सेकेंडरी इंसेक्ट्स. और ये सेकेंडरी इंसेक्ट जो रहते हैं वो एक्सटर्नल फीडर होते हैं, ये बाहरी रूप से ही डैमेज क्रिएट करते हैं, इंटरनली रूप से डैमेज नहीं क्रिएट करते हैं. नाउ टू टाइप ऑफ इंसेक्ट्स बेसिकली जो है डैमेज क्रिएट करते हैं कहाँ पर, स्टोरेज कंडीशन में. फील्ड कंडीशन में बहुत प्रकार के रहते हैं, डिफरेंट काइंड्स रहता है इसका इंसेक्ट पेस्ट का. बट यहाँ पर हम जब बेसिकली स्टोरेज ग्रेन की बात कर रहे हैं तो आपको दो नाम बहुत ज़रूरी है याद रखना, एक होता है बिटल्स या विविल और एक होता है मॉथ. ठीक है, बिटल्स जो होते हैं ये कोलेप्टेरा ऑर्डर्स में आते हैं एंड जो मॉथ्स होते हैं ये जो होती हैं ये बटरफ्लाई के जो ऑर्डर हैं दैट इज़ लेपिडोप्टेरा ऑर्डर उनमें आते हैं. तो सम ऑफ द पेस्ट आर, कुछ जो पेस्ट हैं जो बिटल की लिस्ट में है और कुछ जो है मॉथ की लिस्ट में है. तो राइस मॉथ, ठीक, जिसका साइंटिफिक नेम यहाँ पर मेंशन किया गया है. ओके, नाउ बिटल के केस में क्या क्या है, पल्स बिटल जो कि पल्सेस में अटैक करने वाले हैं एंड देन राइस विविल, वीट विविल, रेड रस्ट जो फ्लोर बीटल रहता है वो लेजर ग्रेन बोरर। तो ये हो गया इनका कैटेगराइजेशन, जैसा कि आपने यहाँ पर देख लिया कि कौन कौन से हैं। पल्स बीटल है, ठीक है, राइस विविल है, व्हीट विविल है, रेड रस्ट फ्लोर बीटल है एंड लेजर ग्रेन बोरर है। और मॉथ में राइस मॉथ जो है, बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट है उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नाउ हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं कैसा रहता है इसका। तो सबसे पहला हम किंगडम में, अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट जो इंसेक्ट वो है पल्स बीटल, ठीक है। ये जो है बेसिकली पल्स क्रॉप में अटैक करता है। इसके अलावा ये और मतलब क्योंकि ये प्राइमरी इंसेक्ट्स होते हैं, प्राइमरी वाले जो कैटेगरी हैं उसमें आते हैं, तो ये साउंड ग्रेन्स में अटैक करते हैं। इनका पूरा जो सिस्टमेटिक पोजीशन है ये अगर आपको अगर लिखते बने तो आप प्लीज़ लिखिएगा, इससे मार्क्स अच्छे आएंगे। किंगडम जो होता है वो होता है एनिमेलिया, फाइलम इसका होता है आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर इसका कोलोपेटेरा, क्योंकि ये क्या होते हैं पल्स बीटल्स में आते हैं। ये फैमिली उसकी होती है क्राइजोमेलिडी एंड इसका जो जीनस है वो है कैलोसॉर्बुचस, स्पीशीज इसकी होती है मैक्युलेटस। तो ये आपको लिखना पड़ेगा अगर आप मतलब किसी एग्ज़ाम में बैठे हैं तो। ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन कि कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ये सबसे पहले रिपोर्टेड हुआ था पल्स बीटल, याद रखिएगा चाइना में 1758 में हुआ था, ठीक है। इसका जो कॉस्मोपॉलिटियन डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहाँ है, हर जगह है। तो ये मतलब एक तरह का क्या है, मतलब सॉरी ये कॉस्मोपॉलिटियन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये बोल सकते हैं यूनिवर्सल बोल सकते हैं हम इसको, एवरीवेयर ये प्रेजेंट है। तो ये जो है बेसिकली क्या द कंटिनेंट, एवरी कंटिनेंट में मतलब ये है एक्सेप्ट द एंटार्क्टिकास, जो एंटार्क्टिका रीजन को छोड़ के बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सभी जगह अवेलेबल है, मतलब पाए जाते हैं, इसलिए इसका कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूछेगा। तो सबसे पहले ये चाइना में रिपोर्ट किया गया था 1758 के ईयर में एंड ये कॉस्मोपॉलिटन जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये किस में फीड करता है, कौन कौन से मतलब ग्रेन को फीड करता है। इट इज़ अ सीरियस पेस्ट ऑफ स्टोर ग्रेन एज वेल एज अ स्टैंडिंग क्रॉप इन द फील्ड। फील्ड के कंडीशंस में भी मतलब जो स्टैंडिंग फील्ड में जो क्रॉप रहते हैं उनको भी अटैक करता है और बहुत ही सीरियस रूप से ये स्टोर ग्रेन को डैमेज करता है। फीड ऑन द पल्सेस जैसे कि काउपी, मूंग दाल, ग्राम, ठीक, चना हो गया आपका और मूंग दाल है और जो भी काउपी है, इस टाइप के जो पल्सेस क्रॉप रहते हैं इनको ज़्यादा डैमेज करता है। इट इज़ ऑल्सो अटैक प्रैक्टिकली ऑल अदर पल्सेस, मतलब मोस्टली पल्सेस में अटैक करते हैं ये इस तरह का देख सकते हैं डैमेज कैसे हो रहा है यहाँ पे। अब इसकी हम लाइफ हिस्ट्री देख लेते हैं। कंप्लीट इसमें मेटामॉर्फोसिस रहता है क्योंकि ये क्या रहते हैं 4 स्टेज, मतलब इनकम्प्लीट उनमें होता है जिनमें प्यूपेशन नहीं होता है, ठीक, और कंप्लीट उनमें होता है जिनमें प्यूपेशन वाली प्रोसेस होती है। तो जितने भी लेपिडोप्टेरा और कोलोपेटेरा ऑर्डर हैं, इट मीन्स जो भी स्टोर ग्रेन पेस्ट होते हैं सभी में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस रहता है, क्योंकि यहाँ पर एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद मतलब प्यूपा एंड अडल्ट, ये जो 4 स्टेजेस होती हैं। इसके अलावा जो हेमिपटेरा ऑर्डर रहते हैं उनमें क्या होता है कि एग होता है, देन निम्फ होता है, देन अडल्ट बन जाते हैं। तो प्यूपेशन वाला जो प्यूपेशन वाली जो स्टेज है वो वहाँ पर स्किप हो जाती है, तो वहाँ पे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। तो याद रखिएगा कोलोपेटेरा ऑर्डर में, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, दैट इज अडल्ट, ठीक है, से पहले मतलब प्यूपेशन वाली स्टेज आती है। तो एडल्ट जो होते हैं कोलोपेटेरा में, ये जो पल्स बीटल है इनके एडल्ट चेविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होता है। इनके माउथ पार्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चेविंग टाइप होते हैं। और इनका जो फीमेल जो रहता है दिल ले क्लियर स्मॉल वाइट कलर का एग जो है ये ले करती हैं। साइनी मतलब वो चमकदार होते हैं एंड ओवल टू स्पेंडल शेप के हो सकते हैं और ये अबाउट 0.75 जो मिलीमीटर के मिलीमीटर जितने लंबे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमको डैमेज जो है सिम्टम ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इनका जो ग्रब या फिर जो लार्वा होता है वो 4 से 7 दिन मतलब एग लेइंग के 4 से 7 दिन बाद निकलता है। तो इस तरह से आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर इसका ग्रब जो है वो दिखाई देता है। नाउ दे मतलब इनका हम डैमेज देख रहे थे कि किस तरह से हो रहा है। दे बोर इनटू द सीड, ये जो मतलब अडल्ट और ग्रब जो रहते हैं डैमेज, दोनों ही डैमेज क्रिएट करते हैं पल्स बीटल वाले केस में। तो जो ये इंसेक्ट्स हैं ये क्योंकि प्राइमरी के अंदर आते हैं तो ये अंदर जाते हैं ग्रेन के और वहाँ पर फीडिंग करते हैं और अंदर वाले जो पोर्शन है उसको पूरी तरह से मतलब ख़राब एंड डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड बिकम फुल ग्रोन इन 2 to 3 वीक इन अ समर। अगर समर की सीजन चलता है तो फिर ये 2 से 3 वीक में पूरे अडल्ट जो ग्रब रहता है उसको 2 से 3 वीक लगते हैं अडल्ट स्टेज में आने के लिए। फुल ग्रोन जो ग्रब है वो 6 mm का होता है और वाइट कलर का होता है जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है। ग्रब जो रहते हैं वो सीड के अंदर ही प्यूपेशन करते हैं इस तरह से। तो जो प्यूपा रहता है वो ओवल शेप में वाइट स्ट्रक्चर रहता है और प्यूपेशन जो है वो 4 दिन मतलब समर के कंडीशन में 4 दिन में होती है और विंटर में लंबा टाइम मतलब लगता है प्यूपेशन होने के लिए। द अडल्ट जो रहता है दे कम आउट बाय द कटिंग अ सर्कुलर होल। तो याद रखिएगा पल्स बीटल जो रहते हैं वो सर्कुलर होल बनाते हुए बाहर निकलते हैं, ठीक है, मतलब एक रेगुलर होल रहता है वो, ठीक। तो ये एंड शिफ्ट टू द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड। दे कॉपुलेट इमीजिएटली आफ्टर इमर्जेंस एंड फीमेल स्टार्ट लेइंग एग द नेक्स्ट डे। सो सोच लीजिए कितने जल्दी इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। आफ्टर जस्ट निकलने के बाद वो कॉपुलेशन होता है और फिर वो एग लेइंग करने लगती है फीमेल। तो द लाइफ स्पॉन ऑफ द अडल्ट जो है वेरी करता है 5 to 20 days अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। अडल्ट का जो लाइफ स्पॉन है वो 5 to 20 days का हो सकता है, अलग अलग दे डिपेंड ऑन अ क्लाइमेटिक कंडीशन कि समर सीजन चल रहा है कि विंटर सीजन चल रहा है आपका। तो बेसिकली दे आर 7 to 8 ओवरलैपिंग जनरेशन इन अ ईयर। तो कभी एग्जाम में आएगा कि कितने जनरेशन रहते हैं एक ईयर में, तो 7 से 8 ओवरलैपिंग जनरेशन रहते हैं। इसका जो लार्वा रहता है मतलब हाइबरनेशन प्रोसेस में चले जाता है विंटर के सीजन में। द पल्स बीटल हैव टेंडेंसी टू शिफ्ट टू द फील्ड आफ्टर अ फ्यू जनरेशन इन द गोडाउन्स। मतलब वो कुछ जनरेशन के बाद फील्ड में चले जाते हैं और फील्ड में भी डैमेज क्रिएट करते हैं। तो अभी ये तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं वही आपको डिस्कस करूँगी यहाँ पर। तो इस तरह से कुछ अडल्ट जो है पल्स बीटल का दिखाई देता है, तो आप देख सकते हैं इसको। तो ये जो बीटल रहता है ये सेक्सुअली डाइमॉर्फिक रहता है और इनका जो मेल रहते हैं उनको आप फीमेल से इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मतलब दोनों का अलग अलग मतलब बोल सकते हैं, हम पहचान कर सकते हैं इजी वे में क्योंकि ये डाइमॉर्फिक है इनका नेचर। फीमेल जो होती है वो थोड़ी डार्क कलर की होती है और मेल जो होते हैं वो वाइट कलर के थोड़े वाइट ब्राउन से होते हैं, ये मेल और फीमेल, ठीक। डैमेज किस तरह का है बेसिकली, ये एक सीरियस पेस्ट होता है, स्टोर ग्रेन्स का हम बार बार देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो स्टैंडिंग क्रॉप्स में भी डैमेज कर रहा है ये फील्ड में। तो ग्रब जो रहता है ये क्या करते हैं, क्या करेंगे कि ये होल करेंगे या बोर करते हैं सीड को में एंड उसके थ्रू वे अंदर जाते हैं सीड में। एंड बेसिकली यही रीज़न मतलब ग्रब्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं डैमेज के लिए क्योंकि जब ग्रब अंदर जाएंगे तभी वो प्यूपेशन करेंगे। इस तरह से ग्रब मेन रिस्पॉन्सिबल है फॉर डैमेज के लिए। मैक्सिमम डैमेज जो है वो अप्रैल से लेकर अक्टूबर जो टाइम रहता है इस बीच में होता है। एंटायर कंटेंट ऑफ द सीड आर कंज्यूम, मतलब अंदर का जितना भी भाग है जो कमर्शियली वे में इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक वे में इम्पॉर्टेंट है, उनको पूरा ये डैमेज कर देते हैं। केवल जो टेस्टा रहता है उसी को ये छोड़ते हैं। तो इंटेंसिटी जो है इन्फेस्टेशन की द डिपेंड्स ऑन द ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर पे। इन्फेस्टेड जो सीड मतलब जिनको इन्होंने डैमेज किया है वो इन्फेस्टेड सीड जो रहते हैं वो अनफिट हो जाते हैं ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ऑब्वियस सी बात है वो ख़राब हो जाते हैं। 1 or more सर्कुलर होल अबाउट 1 mm वाइड इन द सीड मार्क द एग्जिस्ट ऑफ द ग्रब एंड इंडिकेट इन्फेस्टेशन। अगर हमको 1 mm समथिंग इस साइज़ के एक से ज़्यादा होल दिखाई देंगे तो दिस इज़ द सिम्टम ऑफ कि वहाँ पर ग्रब ने इस तरह के पल्स बीटल ने इन्फेस्टेशन क्रिएट किया है। इसका कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, द बीटल इज़ कंसिडरेटेड एज अ मेडिकली हार्मलेस to humans. It is a damaging agricultural pest, क्योंकि ये agricultural जो pest है ये एक तरह का agricultural pest है, क्योंकि ये field condition में और स्टोरेज कंडीशन में दोनों में डैमेज क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए इसको एक तरह से मेडिकली हार्मलेस मानते हैं ह्यूमंस के लिए. दस हमको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज़ सीड को हमको सन मतलब आफ्टर हार्वेस्टिंग मॉइस्चर उसमें ना रहे, इसलिए हमको सन रेज में एक्सपोज करना चाहिए कुछ दिन के लिए, उसके बाद ही स्टोरेज करनी चाहिए उनको. तो इस तरह से समर में ये जो है वो किल हो जाते हैं. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर thick layer of the sand spread over the seed in a summer which check the egg laying. मतलब वो egg laying को जब ऐसे कंडीशन हम क्रिएट करते हैं कि हम समर सीजन में 5 सेंटीमीटर थिक लेयर सैंड की रेत की जब हम बिछा देते हैं और फिर हम जब सीड को वहाँ पर रखते हैं तो जो egg laying है वो रुक जाती है. देन अबाउट 25 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ हम क्या कर सकेंगे, अगर हम कर पाएँ तो लाइम स्प्रेड कर दें अगर ओवर द सीड. कब, विंटर के सीजन में. अभी तो हमने देखा गर्मी में हम क्या कर सकते हैं, अब हम देखते हैं ठंडी में हम क्या कर सकते हैं. तो हम अगर 25 सेंटीमीटर एक मोटी लेयर लाइम की स्प्रेड कर दे सीड में तो फिर वहाँ पर जो डैमेज है वो मतलब इफ़ेक्टिवली क्या होता है, रुक जाता है. तो अभी तक हमने किसके बारे में डिस्कशन किया, पल्स बीटल के बारे में. आज हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा राइस वीविल. सो इसका किंगडम जो है वो तो सेम रहेगा, हम जो चीज़ें अलग हैं उसी के बारे में बात कर लेंगे. यहाँ पर इसकी सब फैमिली थोड़ी सी मेंशन कर दी गई है और इसकी फैमिली जो है कुरकुलिनोइडी है एंड सब फैमिली अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है. जीनस इसका है सिटोफिलस ओराइजी, मतलब स्पीसीज ओराइजी है, जीनस इसका सिटोफिलस होता है. ये जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है. इट इज़ द नेटिव ऑफ इंडिया, बेसिकली इंडिया में इसकी उत्पत्ति हुई है एंड अ सीरियस पेस्ट ऑफ राइस. कहाँ पर, इंडिया में. ये जो रहते हैं राइस ग्रेन को फीड करते हैं एंड इसके अलावा व्हीट एंड मेज ग्रेन्स को भी ये फीड करते हैं. ये जो रहते हैं ये क्या, ओनली स्किन ऑफ द ग्रेन इज लेफ्ट बिहाइंड, मतलब पूरा ग्रेन जो है वो डैमेज कर देते हैं केवल. और ये जो बेसिकली रहते हैं ये क्या करते हैं, पूरा ही डैमेज कर देते हैं, केवल लास्ट बाहरी जो स्किन है उन्हीं को लेफ्ट करते हैं. तो इस तरह से ये दिखाई देते हैं. इनकी लाइफ साइकिल भी कंप्लीट रहती है जो कि मैंने अभी आपको बता दिया. माउथ पॉट भी इसका चेविंग टाइप है. तो अगर आपने एक को अच्छे से समझ लिया ना तो सेकेंड जो इंसेक्ट्स हैं उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी. इनके जो फीमेल रहते हैं दे ले क्या कौन से कलर का रहता है, ग्लिस्टनिंग ओवल वाइटिस एग दैट इज़ मेजरिंग 0.66 से 0.33 mm इस साइज़ का, इस कलर का बोल सकते हैं एग जो है वो फीमेल के द्वारा ले किया जाता है. तो ये याद रखना आपको कि कलर कौन सा रहता है, साइज़ वाइज इतना ज़रूरी नहीं है. देन जनरली जो एग रहते हैं, एग इज़ डिपॉजिटेड इन अ वन ग्रेन, मतलब एक ग्रेन में एक एग जो है वो बेसिकली डिपॉजिट किया जाता है. 2 to 6 एग्स जो है ये हर दिन पर डे में, एक दिन में 2 से 6 एग डिपॉजिट करते हैं. एंड ओवरऑल लाइफ टाइम जो रहता है इनका उनमें ये 300 से ज़्यादा एग जो है वो देते हैं. मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा रही हूँ ना, और आप अगर कुछ और नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. द ग्रब बोरो डीपर वेयर दे फीड एंड बिकम फुल ग्रोन, मतलब इसका फुल ग्रोन साइज 5 mm लॉन्ग रहता है और ये 90 to 24 डेज़ में 5 mm के हो जाते हैं. तो ये जो रहते हैं ये क्या करते हैं, मतलब बहुत ही गहरा बोल सकते हैं, डीपर बोरो छेद बोल सकते बनाते हैं जिससे कि वो क्या करें, फीड कर पाएँ. दे प्यूपेट विद इन द ग्रेन फॉर 6 to 14 डेज, मतलब प्यूपेशन इनमें मतलब 6 to 14 डेज के बाद आता है, तब तक ये सोचिए ग्रेन को डैमेज करते रहते हैं. द प्यूपा इज एट फर्स्ट डर्टी वाइट बट लेटर बिकम द डार्क ब्राउन कलर. स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा मतलब मटमैला कलर का रहता है, वाइट टाइप का, एंड बाद में ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है. अडल्ट वीविल जो रहते हैं दे स्टार्ट ब्रीडिंग एज सुन एज दे इमर्ज फ्रॉम द ग्रेन, सेम नेक्स्ट वाले के जैसा, मतलब प्रीवियस वाले के जैसा है, सॉरी. इस तरह से देखिए प्यूपेशन और फिर अडल्ट, ठीक है. तो इनकी टोटल जो ये जिंदा कितने दिन तक रहते हैं बोल सकते हैं, दे लाइफ फॉर विल लाइव फॉर 4 to 5 months. इनके अडल्ट 4 से 5 महीने तक जिंदा रहते हैं. एक सिंगल फीमेल जो है वो 250 मतलब 250 एग जो है उनके पूरे लाइफ जो साइकिल है उनमें वो ले कर सकती है. ठीक है. और इसके अलावा इनमें क्या होता है, अ कंप्लीट लाइफ साइकिल टेक अबाउट अ मंथ. 1 मंथ में पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है. एक लाइफ साइकिल जो है 1 मंथ में कंप्लीट हो जाती है. द ड्यूरेशन ऑफ द वेरियस स्टेजेस वेरी विद इन द मतलब वेदर के कंडीशन के अकॉर्डिंग कभी कभी टाइम जो है वो वेरी कर जाता है लाइफ साइकिल का. ठीक, तो ये चीज़ है. यहाँ पर अडल्ट जो रहता है राइस वीविल का वो उड़ सकते हैं, तो याद रखिएगा दे एबल टू फ्लाई एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 2 years. 2 साल से भी ज़्यादा टाइम में सर्वाइव कर सकते हैं. एंड अडल्ट वीविल इज़ स्मॉल रेडिस ब्राउन कलर का बीटल रहता है. 3 mm तक के साइज़ के रहते हैं. तो ये इसका कलर है और इतने साइज़ के ये होते हैं. और ये जो एडल्ट्स रहते हैं वो हाइबरनेटिंग प्रोसेस में चले जाते हैं विंटर के सीज़न में इन क्रैक्स में एंड जो भी सर्विसेज रहते हैं उनमें, और अंडर वीट बैग्स इन गोडाउन्स जो भी बैग रहते हैं. इसके अलावा इसके एक जो बोल सकते हैं क्रैक्स जो रहते हैं गोडाउन में उनमें चले जाते हैं हाइबरनेशन की प्रोसेस में विंटर के सीज़न में. डैमेज जो रहता है क्योंकि बहुत सीरियस पेस्ट है राइस में हमारी कंट्रीज़ में इंडिया में. बोथ ग्रब एंड अडल्ट फीड ऑन अ राइस ग्रेन लेस कॉमनली ऑन वीट एंड मेज ग्रेन्स. ओनली द स्किन ऑफ ग्रेन is left behind and the grain become incapable of germination. क्योंकि वो पूरे तरीके से अंदर वाला जो पोर्शन है एम्ब्रियो पोर्शन है एंडोस्पर्म पोर्शन पूरा डैमेज कर देते हैं. अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन ऑल्सो. तो अबाउट 50% डैमेज होता है इनके द्वारा. एंड द मैक्सिमम डैमेज जो है आकर अक्टूबर थ्रू सितंबर के महीने में. द पेस्ट प्रेफर ह्यूमिड क्लाइमेट एंड मल्टीप्लाई इनॉर्मसली इन अ स्टोर्ड लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनकेयर्ड फॉर. नाउ इसका कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं. कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा. कंट्रोल ऑफ द वीविल इन्वॉल्व द लोकेटिंग एंड रिमूविंग ऑल पोटेंशियली इन्फेक्टेड फूड सोर्सेज. जितने भी ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से इन्फेक्शन आ सकते हैं उनको हमको रिमूव करना पड़ेगा. द राइस वीविल इन ऑल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट कैन बी किल्ड बाय द कीपिंग फ्रीजिंग इन्फेक्टेड फूड बिलो द 17.7 डिग्री सेल्सियस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 days. मतलब किसी भी स्टेज में इसको हम डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं. किसके द्वारा, अगर हम 17.17 डिग्री सेल्सियस से नीचे की डिग्री में फ्रीजिंग करेंगे 3 दिन के लिए. और हम क्या कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं टू 60 डिग्री सेल्सियस फॉर अ पीरियड ऑफ 15 मिनट्स के लिए. तो ये 2 रीज़न हैं हमारे पास. इसके अलावा हमको क्या करना है, गोडाउन के जो सरफेस रहते हैं और गोडाउन जो पूरा, इसके अलावा हमको गोडाउन को स्लाइस करना है बर्निंग कोक के द्वारा बिफोर मतलब स्टोरिंग ऑफ द फ्रूट्स. फ्रूट के स्टोरेज से पहले हमको पूरे हमारे जो गोडाउन है उनको स्लाइस भी करना है जिससे जो है एग लेइंग ना हो पाए. तो आज देखते हैं और क्या है इम्पोर्टेंट यहाँ पर. The grain should be thoroughly dried and stored in a clean and dry insect proof store. एंड इसके अलावा सरफेस इन्फेस्टेशन कैन बी चेक बाय द पाइथ्रम एरोसॉल. जो पाइथ्रम का एरोसॉल रहता है उसका यूज़ करके हम सरफेस में जो इन्फेस्टेशन उसको कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा हम गोडाउन्स में फ्यूमिगेशन कर सकते हैं. ठीक, विद 0.25 से 5% हम क्या ले सकते हैं, हाइड्रोसैनिक एसिड गैस फॉर 18 आवर्स के लिए. और हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड फॉर 24 आवर्स इन अ वेरी मतलब यूज़फुल. तो ये दो फ्यूमिगेशन के लिए फ्यूमिगेंट्स यूज़ कर सकते हैं हम गोडाउन्स में. तो इसका ड्यूरेशन भी दिया है कि किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं. तो अभी हमने इससे पहले भी देखा है कि कौन कौन से मतलब इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं वो कितने कैटेगरीज में डिवाइडेशन हुआ है उनका, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. और प्राइमरी में कौन कौन से हैं वो मतलब हम देख रहे हैं. बेसिकली हम अभी प्राइमरीज की स्टडी कर रहे हैं. तो पहला हमने देखा पल्स बीटल, उसके पूरे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे कि किस तरह से एग प्यूपा एंड अडल्ट के जो फीचर्स हैं उन कैसे डैमेज होता है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. तो अभी तक हमने क्या क्या देखा आज के वीडियो में कि हमने देखा कि जो ये स्टोरेज एंटोमोलॉजी होती है वो क्या होती है, जो ये स्टोरेज ग्रेन इंसेक्ट होते हैं उनका कैटेगराइजेशन किया गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीडर्स में। अभी हमने जितने भी इंसेक्ट के बारे में डिस्कशन किया वो प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं। उनका हमने पूरा सिस्टमेटिक पोजीशन देखा कि उनका सिम्टम कैसे रहते हैं, डैमेज कैसे क्रिएट होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पर मैंने डिस्कस की। तो आज के वीडियो में हमने 2 इंसेक्ट को डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में और जो और इम्पॉर्टेंट है वो कंटिन्यू रहेंगी क्योंकि एक वीडियो में मैं पूरे इंसेक्ट को नहीं डिस्कस कर पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगा आप लोगों के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो वीट विविल से स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में हमने पल्स बीटल को देखा, उसके पूरे इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे और हमने राइस वीविल को देखा है। तो आप इसको अपने जो भी नोट्स है उसमें नोट डाउन कर सकते हैं, सो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो, और अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। सो थैंक यू।